दोस्तों आप में से कई लोगों को जबर जबर जबरिया जबरिया जाबिर जाबिर वगैरह शब्दों के बारे में कन्फ्यूजन होता होगा। आज मैं आपके इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आ गया हूँ। नाम है मेरा मोइन शमसी और चैनल है माई हिंदी माई उर्दू। आज मैं जिन शब्दों का जिक्र करने वाला हूँ वो शब्द हैं जबर जबरिया जबर जाबिर और जाबिर। लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, आपको याद दिला दूं कि अगर आप मेरा फ़ोन नंबर हासिल करना चाहते हैं तो इसी चैनल पर एक वीडियो मौजूद है, उस वीडियो को देखिए और मेरा फ़ोन नंबर हासिल कर लीजिए और मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिए। साथ ही साथ मैं खबरी ऐप पर भी मौजूद हूँ, आप मुझे वहाँ भी ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा टिकटॉक इंस्टाग्राम ट्विटर और फेसबुक पर भी मैं मौजूद हूँ। मुझसे ईमेल के जरिए संपर्क स्थापित करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलिए, वहाँ मौजूद है मेरा ईमेल आईडी। तो अब बात शुरू करता हूँ जबर से। जबर एक शब्द है, उर्दू में चलता है, अरबी से आया। इसका अर्थ है कंपल्शन, फोर्स, पावर, शक्ति, ताकत, अत्याचार, अन्याय, जुल्म, किसी को मजबूर करना। बहुत सारे अर्थ हैं इसके। जबर, ये जबर है, जबर नहीं है, जबर। इसी से जबरन बना, जबरन यानी जबरदस्ती करके। दूसरा शब्द है जबरिया, इसको जबरिया कह देते हैं, जबरिया। जबरिया नहीं है, यह है जबरिया, जबरिया। यह भी अरबी से आया, इसका अर्थ है जबरदस्ती का, जबरदस्ती का। अगला शब्द है जबर, जी हाँ, जबर नहीं, जबर, यह है जबर। जबर का मतलब होता है अबव, ताकतवर, सुपीरियर, ग्रेटर। वैसे जबर उर्दू का एक निशान भी है, इसके बारे में विस्तार से मैं कई वीडियोस में बता चुका हूँ, उन वीडियोस को देख लीजिएगा। तो जबर की बात हुई, हाँ ये बता दूं कि जबर फारसी भाषा से आया। इसके बाद जाबिर, जाबिर, जाबिर नहीं, जाबिर। जाबिर अरबी से आया, इसका अर्थ है जबरदस्ती करने वाला, अत्याचारी, जालिम, जाबिर। और इसके बाद जाबिर, पहले जाबिर था, अब जाबिर, यानी अब जा के नीचे नुक्ता लगेगा। जाबिर का अर्थ होता है आलिम, विद्वान, ज्ञानी, जिसके पास ज्ञान हो। जाबिर अरबी भाषा से आया। तो मुझे यकीन है कि आज भी आपके शब्द ज्ञान में वृद्धि हुई होगी और आपको नई बातें मालूम हुई होंगी। तो इसी तरह देखते रहिए माई हिंदी माई उर्दू। मुझे दीजिए फिलहाल इजाजत, आता हूँ बहुत जल्द लेकर आपके लिए जानकारी का कोई दूसरा खजाना। मोइन शमसी को इजाजत दीजिए। सलाम हिंदुस्तान।